नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मा आलोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया तो क्या करें। जिस व्यक्ति ने जहर खाया वो धोखे से खाया या जानबूझ से खाया है, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर कोई व्यक्ति जहर खा ले तो क्या करें और डॉक्टर कैसे करते हैं उनका इलाज। इस वीडियो में हम जानेंगे इसका ट्रीटमेंट और फर्स्ट एड के बारे में। बात की जाए पॉइजन की, अगर कोई व्यक्ति इसे खा ले, खासतौर पर इंडिया की अगर बात की जाए तो नॉर्मली कोई भी जहर आसानी से पहली बार तो मिलता नहीं है, लेकिन आसानी से कीटनाशक मिल जाता है। मोस्टली गांव के एरिया में लोग कीटनाशक खा लेते हैं। अधिकतर जो कीटनाशक होते हैं वो अनाज में रखे जाते हैं। फिर वो व्यक्ति खाता है उस कीटनाशक को, उसके खाने के बाद 1 घंटे तक वो लगातार तड़पता रहता है और 1 घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है। अगर आपको पता चले किसी ने जहर खा लिया है तो तुरंत आपको उसके मुंह में 2 उंगली घुसा देनी है। जब आप उस व्यक्ति के अंदर 2 उंगली घुसा देंगे तो वह व्यक्ति उल्टी करने लगेगा या उनको उबकाई सी आने लगेगी। नॉर्मली जब हमें उल्टी करनी होती है तो हम अपने मुंह के अंदर 2 उंगली घुसा देते हैं। दोस्तों, सीधे तौर में बताया जाए कि किसी व्यक्ति ने अगर जहर खा लिया है तो वोमिटिंग कराए, उल्टी कराएंगे तो जहर वापस बाहर आ जाएगा। अगर किसी कारण से उल्टी नहीं होती है और अगर उल्टी हुई है तो जहर पूरा वापस नहीं आया है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपको बिना देरी किए हुए डॉक्टर के पास ले जाना है उस पेशेंट को। डॉक्टर उस पेशेंट के पेट से जहर निकालने के लिए रायल स्ट्रिप का यूज करते हैं। मतलब जैसे ही पेशेंट आया तुरंत उसकी नाक में नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब डाल दिया जाता है, जिसके द्वारा उस जहर को पेट से बाहर तुरंत निकाला जा सके, ताकि जो जहर है अब्जर्व होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में ना पहुंच जाए। अगर जहर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा तो हार्ट में जहर पहुंच जाएगा और हार्ट से जहर हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा। इसलिए पेशेंट के स्टमक से पॉइजन निकाला जाता है। इस प्रोसेस को गैस्ट्रिक लेवेज प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस में एक राइस ट्यूब को नाक में डाला जाता है स्टमक तक और पेशेंट को लिटा दिया जाता है और उस ट्यूब से पानी निकलने लगता है और स्टमक खाली हो जाता है। जब पेट खाली हो जाता है तो नॉर्मल सेलाइन वाटर ट्यूब से सीरेंज की हेल्प से अंदर की ओर डाला जाता है, ताकि जो पेशेंट का स्टमक है वो धुल जाए। स्टमक को वॉश किया जाता है। एक तरीके से इतना सब करने के बाद अगर लगता है कि थोड़ा सा पॉइजन रह गया है पेट में, तो चारकोल की गोलियां पीसकर उसी ट्यूब के माध्यम से अंदर डाला जाता है। चारकोल बहुत ही अच्छा पॉइजन अब्जॉर्ब करता है, किसी तरह का भी पॉइजन चारकोल को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। इसके बाद पेशेंट की ABC चेक की जाती है, यानी ए मतलब एयर वे, बी मतलब ब्रीथिंग और सी मतलब सर्कुलेशन। ये सब उनका चेक किया जाता है। BP, हार्ट सब सही से काम कर रहा है, BP उनकी नॉर्मल हुई है कि नहीं, BP उनकी कितनी है। उसके बाद नॉर्मल मेडिसिन दी जाती है, साथ ही अगर कोई भारी जहर है तो एंटीडोट दिया जाता है अगर अवेलेबल है। 90% केस में यही देखा गया है दोस्तों, अगर किसी पेशेंट ने जहर खा लिया है, किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया है और उसको सही समय पर अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो उस व्यक्ति की जान बच सकती है। तो दोस्तों, यही था हमारा पूरा वीडियो जो आपने देखा, अगर कोई व्यक्ति जहर खा ले तो उसका जो है हमें कौन कौन सा क्या क्या ध्यान रखना है और हमको डॉक्टर के पास कितना जल्दी पहुंचाना है जिससे उसकी जो जान है वो बच सके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।